मेक द बिगेस्ट न्यूज़ ऑफ आवर करियर। बुलेटिन की आवाज उठाएंगे सबसे पहले। तबीयत अचानक खराब होने की वजह से इमरजेंसी में हॉस्पिटल लाया गया। सीएम की हालत अभी तश्वीशनाक बताई जा रही है। अमेरिका से डॉक्टर्स का बोर्ड रवाना हो चुका। उनकी फैमिली आराम से नानी की डांट की वजह से तबीयत खराब हुई। मुझे तो बहुत दुख हो रहा है उनके लिए। बड़ा खून जोश मार रहा है दानिया। नहीं नानू, मैं को बस न्यूज देख रही हूँ। ले जाइए इसे ताया से मिलने, मिलना चाह रही है उनसे। कमबख्त खून चीज ही ऐसी। डॉक्टर साहब, कितना वक्त बाकी है? सच सुनना चाहते हैं या तसल्ली? सिर्फ सच। बहुत थोड़ा वक्त। इतने सारे काम बाकी है, कैसे पूरे होंगे? हम इनको अमेरिकन नहीं जा सकते, वहां इतनी कटिंग एज मेडिकल साइंस है। कोई फायदा नहीं। सही कह रहे हैं, मरना ही तो है। क्यों जा अपनी मिट्टी में मरा जाए, अपनी हवा में सांस ली जाए। तो सब एक रिक्वेस्ट है आपसे। आई वॉन्ट पेन फ्री डेथ। Shahara, I say it, I want pain free death. Tumhara rona pain hai mere liye, worse pain. Kya hai bhabhi jaan, इतना डांटा कि सीएम बिस्तर से जा लगा। चुप कर, पहले से बीमार होगा। मैंने ऐसा क्या कह दिया? मुझे ना आप लोगों को पूरा वाक्या बताना ही नहीं चाहिए था। अरे यही गलती हुई ना, हम तो भाभी जान को ऐसी शरंगेज खबरों से बचाते रहते हैं। अरे मैं तो कहता हूँ माफी तलाफी कर ले, कहीं चली ना बसे। दिमाग खराब हो गया तेरा? मैं माफी मांगूंगी उनसे? देखना दो चार दिन में ठीक होकर अपने घर चले जाएंगे। अब बेटा तू दिल छोटा ना किया कर, मैं तो उन्हें अक्सर ऐसी बातें सुनाती रहती हूँ और वो सुन भी लेते हैं, पलट के जवाब नहीं देते। हाँ करते अपनी मन की। मैं तो कहती हूँ आज के जमाने में कोई किसी की सलाह बातें सुन ले, यही बड़ी बात है। नानी मुझे एक बात समझ नहीं आती, आपको वो लोग अच्छे लगते हैं या बुरे? बेटा मुझे तो अल्लाह ताला की सारी मखलूक अच्छी लगती है, बस बुरा उन पर रवैया होता है। कभी कभी रवैया भी हालात के मोहताज हो जाता है, उनके साथ ही बदल जाता है। अच्छे हालात में अच्छे, बुरे हालात में बुरे। रवैये के मामले में लोग अक्सर मैचिंग के कायल होते हैं। वो जो क्या होता है, तुम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट किसी किसी को आता है, यानी कि बुरे हालात में अच्छा रवैया, हर किसी की बस की बात नहीं। वाह नानी वाह, क्या बात कर दी आपने।